सर इतना थ्योरी तो सीख लिया प्रैक्टिकली अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है हम इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे तो फिर आइए मिलके हम केस स्टडी सॉल्व करते हैं और प्रैक्टिकली समझते हैं इसे क्या डे टू डे लाइफ में इसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा तो बेसिकली हमने क्या सीखा कि कैसे टीडीएस को एस्टिमेट करना है बेस्ड ऑन एनुअल एस्टिमेटेड इनकम एंड देन फाइनली उस पर टीडीएस काटना है तो हम इसे केस स्टडी पे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन सेज़ एक कंपनी है जिसका नाम है फिंसी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे हमें सॉल्व करना है एंड फाइनली एक बार आप टीडीएस कंप्यूट कर लो उसके बाद आपको सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में जाके टीडीएस पेमेंट करके भी एक्सपीरियंस मिलेगा कि हम टी पे कैसे करते हैं तो वट इज द क्वेश्चन से इट सेज सैलरी स्टेटमेंट दिया हुआ है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल और जो एम्प्लॉयज ने अप्रैल में ज्वाइन किए उन्होंने फॉर्म टूएल्व भी दिया है डेट इज एक्स एम्प्लॉयर का डिटेल्स भी दिया है प्लस अगेन फर्दर मार्च का कोई सैलरी स्टेटमेंट दिया हुआ है डैट इज एंड ऑफ फाइनेंशियल सो एक है बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल अप्रैल और दूसरा है मार्च के लिए एंड मार्च का अगेन फॉर्म ट्वेल्व बी एंड ट्वेल्व बी भी दिया गया है तो सबसे पहले हमें क्या करना है हमें अप्रैल में जो भी एम्प्लॉयज के डिटेल दिए गए हैं यहाँ मुझे दिख रहा है चार एम्प्लॉयज दिए गए हैं रघुनाथ जीवन निवेदिता गुरुनंदन उनके सैलरी स्ट्रक्चर दिया गया है उनका डिडक्शन्स वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स दिए गए और इवन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टर्म्स ऑफ ई पी एफ ई दिया गया है इन सबको यूज करके नोट्स को यूज करके फॉर्म ट्वेल्व बी जो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने सबमिट किया है और कौन न्यू टैक्स रिजीम में है कौन ओल्ड टैक्स रिजीम में है सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए इन सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हुए हम एक एक करके एक एक एम्प्लॉय को पिक करेंगे और उसके एनुअल इनकम को एस्टिमेट करेंगे सबसे पहले पूरे एनुअल इनकम को एस्टिमेट करने का मतलब है मंथली सैलरी इंटू ट्वेल्व अगर कोई लीव्स है तो उसे एडजस्ट करेंगे वो करने के बाद फाइनली हमें पता चलेगा ओके टोटल सैलरी उसका इतना आता है एक्स अमाउंट एंड उस पर हम टैक्स कंप्यूट करेंगे बेस्ड ऑन द टैक्स लैब्स टैक्स लैब में करने के बाद जो टैक्स एस्टिमेशन आया आफ्टर ऑल द डिडक्शन एंड एडजस्टमेंट्स फाइनली हम उसका पर मंथ का टीडीएस कितना कटना है उसको कैलकुलेट कर लेंगे बिकॉज ये हम स्टार्ट करें इन द मंथ ऑफ अप्रैल एप्रिल्स राइट बट सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कहा जाता है देर आर सर्टन चेंजेस लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉय छोड़ दिया किसी नए एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया उन्होंने नए फॉर्म्स जमा दिए बी ट्वेल्व बी टूवेल्व बी बी उसके एडजस्टमेंट से री एडजस्टमेंट हम री एस्टिमेट करते हैं सारे एम्प्लॉयज का एंड फाइनली हम कंप्यूट करते हैं तो आपको ऑलरेडी सोल्यूशन दिया गया है आप इसे देखो इट इज एडवाइजेबल फर्स्ट यू सॉल्व इट योर सेल्फ एंड देन ट्राई टू चेक इट विद द आंसर्स फॉर योर बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस